देखो, आप डेथ ऑफ पार्टनर में प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो होता है वो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। सबसे पहले हम देखेंगे डेथ ऑफ पार्टनर में मेन चीजें क्या है। इसके अंदर अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं तो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर सबसे पहले अगर मीनिंग भी थोड़ा मैं समझाऊं कि डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है, तो डेथ ऑफ पार्टनर में और रिटायरमेंट में डिफरेंस ये है कि जब मान लो हमारा बिजनेस ईयर है 1/4/2018 और ये बिजनेस ईयर एंड कब हो जाएगा हमारा बताओ, 31/3/2019। रिटायरमेंट और डेथ में फर्क है कि डेथ के केस में मान लो मेरे पास पार्टनर ए, बी और सी, तीन पार्टनर है। तीन पार्टनर में से मान लो सी किसी भी रीजन से डाइड हो गया। जो सी डाइड हुआ, अब सी जो डाइड होगा वो किसी भी डेट पे हो सकता है, किसी भी मंथ में हो सकता है। ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि सी इसी दिन डेथ होगा उसी का, ऐसा तो परमानेंट है नहीं कि सी जो है हमारा इसी तारीख को मरने वाला है, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में मान लो सी यहां पे मिड में डेथ हो जाता है और वो मान लेते हैं 31/7/2018 में। यहां पे जब उसका डेथ हुआ तो डेथ होने के बाद अब जो मिस्टर सी है ये तो रहा नहीं, मिस्टर सी तो अब है नहीं, लेकिन इसके हिस्सा क्या ए और बी खा जाएंगे जो इसका बिजनेस में पैसा लगाया था? क्योंकि जब सी जब बिजनेस में आएगा तो पैसा तो लगाया होगा बिजनेस में, और सी ने और बहुत सारी एक्टिविटी भी किया होगा, मेहनत किया था। तो क्या इसका सारा मेहनत और सारा पैसा ए और बी खा जाएंगे? नहीं। अब इसके पैसे को लेने के लिए इसका फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई मान लो आ जाएगा। इसके फैमिली मेंबर में सपोज करो इसके मिसेस आ गई लेने के लिए पैसा इसका। इसके फैमिली मेंबर में से जो भी आएगा इसके पैसे लेने के लिए उसको हम बोलेंगे इसका डिसीज पार्ट, इसको हम जो पार्टनर डेथ हुआ इसको बोलेंगे डिसीज पार्टनर, और जो इसका फैमिली मेंबर है इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर, यानी इसका लीगल पर्सन है जो कि बोलेगा कि मेरे हस्बैंड या जो भी रिलेटिव है मेरे हस्बैंड ने आपके बिजनेस में यहां से यहां तक काम किया है, इसने क्या बोला है। और ये किससे बोलेगी ये जाके, इसकी वाइफ ए और बी से, कि मेरे हस्बैंड ने यहां से यहां तक काम किया है और मेरे हस्बैंड का पहले से भी आपके बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ था या नहीं था पहले से इसके बिजनेस में। तो अगर ये गिनवाएगी काउंटिंग से तो बोलेगी सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का कैपिटल भी मुझे दे दो। अब वो तो है नहीं तो आप तो लोगे नहीं, वो पैसा किसका माना जाएगा? मेरा, मेरे हस्बैंड का कैपिटल दो। नंबर टू, मेरे हस्बैंड के कैपिटल के बाद मेरे हस्बैंड का और सारा गुडविल दे दो आप। नंबर थ्री, मेरे हस्बैंड का प्रॉफिट दे दो। और प्रॉफिट कौन सा? इसने बोला प्रॉफिट वो जो यहां से लेके यहां तक उसने कमाया है वो प्रॉफिट दे दो। नंबर चार, जनरल रिजर्व है तो वो भी दे दो। नंबर पांच, अगर सैलरी मिलता था वो भी दे दो। यानी जो भी इसके हस्बैंड को दिया जाता था वो सारा का सारा रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा? उसके वाइफ के द्वारा, उसके वाइफ के द्वारा रिसीव किया जाएगा। तो इसको जो पैसा मिलेगा उसको एग्जीक्यूटर में देंगे हम। एग्जीक्यूटर अकाउंट है जिसके अंदर हम इसको पेमेंट किया करेंगे। तो यहां पे देखो दो अकाउंट बनेगा हमारा, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल जो ये पार्टनर मर गया है, एक इसका कैपिटल अकाउंट बनेगा डेथ हो गया है उसका, और एक इसके लिए बनाएंगे जो कि क्या बोला जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, दो अकाउंट बनेगा। समस्या इस वाले टॉपिक में ये है हमारा कि हम जब इसको कुछ पेमेंट करेंगे इसके फैमिली मेंबर को तो कुछ चीजें तो हमें यहां से लेके यहां तक का पेमेंट करना होगा। जैसे कि 4 महीने काम किया तो 4 महीने का, जैसे ब्याज तो ब्याज कितने महीने का दूंगा? 4 महीने का। प्रॉफिट कितने महीने का दूंगा? 4 महीने का। और भी बहुत सारी चीजें जो कि 4 महीने का, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है यहाँ पे जो 4 महीने का नहीं मिलेगा। रीजन, क्योंकि मान लो इसके हस्बैंड ने पिछले साल जनरल रिजर्व कमाया था, पिछले साल जनरल रिजर्व लिया था इसने, बनाया था पिछले साल इसके हस्बैंड ने गुडविल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये कमाई कब की है? इस साल की है, पिछले साल की, लास्ट ईयर की है कमाई। तो क्या इसमें से भी 4 महीने का दूंगा या पूरा ही मिलेगा उसे? पूरा मिलना चाहिए।
क्योंकि 4 महीने का तो दो होता, जो यहां से यहां तक कमाया वो तो 4 महीने का, लेकिन अगर इससे बैंक ईयर में कुछ उसने कमाया होगा तो उसकी वाइफ बोलेगी इसमें 4 महीने क्यों कर रहे हो, ये तो पूरा मेरे हस्बैंड का है, तो उसमें से उसका हिस्सा निकाल के मुझे दे दो। तो इस अकाउंट में जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उस इंफॉर्मेशन के अंदर हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसको हम टाइम के हिसाब से कन्वर्ट करके दें और किसको पूरे साल का दे दें। ठीक है, वही चीज मैंने अलग से एक नोट्स में आपको बना के दिखाया हुआ है कि सम आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू टाइम। इसका मतलब समझ में आया आपको कि कुछ ऐसे आइटम है जिसको कि जितने टाइम तक उसके हस्बैंड ने काम किया है उसी के हिसाब से करेंगे। जैसे अगर 3 महीने काम करते हैं तो 3/12, अगर मान लो वो 4 महीने काम करते हैं तो 4/12, अगर 1 मंथ काम करता है तो 1/12, अगर मान लो 20 दिन काम करता है तो ऐसी सिचुएशन में हम पता है क्या करने वाले हैं, 20/2 साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर काम करता है 44 दिन 44 दिन तो कैसे देंगे, 44/365। यानी अगर आपको मंथ एग्जैक्टली पता है तो मंथ बाय ईयर आप मंथ करोगे, फोर मंथ है तो 4/12। अगर आपको मंथ नहीं पता चल रहा, बीच में चले गया वो किसी दिन भी, तो आपको पूरे दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से इसको दिया जाएगा। अभी एक क्वेश्चन में भी देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें इसको टाइम में बांटा जा सकता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इसका कैपिटल यहां पर लगा होगा ना, इसका बिजनेस में पैसा यहां से लेके यहीं तक तो इस्तेमाल हुआ है 4 महीने। तो मैं बोलूंगा इसके वाइफ को बोला जाएगा ए के द्वारा कि मिसेस सी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतने दिन का मिलेगा जितने दिन बिजनेस ने इस्तेमाल किया है। कितने दिन बिजनेस ने इस्तेमाल किया है, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। सेम ऐसे इसको बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम आपसे कितने महीने का लेंगे, 4 मंथ का ही लेंगे। सैलरी इसके हस्बैंड को मान लो अगर 500 रुपए महीने की सैलरी दिया करते थे तो 4 मंथ का कितना दे देंगे उसे, 2000। प्रॉफिट और लॉस, इतने से इतने टाइम तक उसने जो मेहनत किया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले डिस्कस करा हुआ है, उसी के हिसाब से सारा प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। तो देखो ये मैंने 4 आइटम वो लिखा है जिसको कि किस बेसिस पे बांटेंगे हम, टाइम बेसिस पे। टाइम का मतलब जब भी ये अमाउंट मिलेगा वो तो निकालेंगे ही, मल्टीप्लाई में हमें 2/12, 3/12 या फिर आपका 4/12, जितने टाइम तक उसने वर्क किया है बिजनेस में उतने का मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें होता है जिससे कि सम आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट टाइम फैक्टर, टाइम को कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना जी, क्योंकि ये पहले का होता है। ये कब का होता है, इस साल की कमाई नहीं है, ये कब है, पिछले साल की, और पिछले साल की जितनी भी इनकम होगी उस इनकम पे तो इस पार्टनर का पूरा पूरा हक होगा, पूरा पूरा राइट होगा, है कि नहीं। तो अब क्या क्या चीजें हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के लिए हमें टाइम फैक्टर नहीं देखना। जनरल रिजर्व में सिर्फ क्या देखेंगे, इसका रेशो, जैसे मान लो इसका 1/4 रेशो है तो 1/4 देखेंगे। जनरल रिजर्व के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, क्या इस पे हमें टाइम देखना है, नहीं देखना, नॉर्मल रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नॉर्मल रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद देखा जाए तो रिवेल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो निकलता है, रिवेल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे बिल्डिंग बढ़ गया या फिर क्रेडिटर कम हो गया उसके वजह से जो भी रिवेल्यूशन बनेगा उसके वजह से। गुडविल, अब गुडविल यहाँ पे दो है, एक तो इससे गुडविल मिल भी सकता है और एक इससे गुडविल ले भी सकते हैं। अगर पुरानी वाली गुडविल दे रखा है तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ, और नई वाली अगर इसके हिस्से की गुडविल है उसको दे देंगे। और किस रेशो में देते हैं गुडविल, अगर गुडविल हमें देना होगा तो हमेशा याद रखना गेनिंग रेशो में दिया जाएगा। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का हमें एवरेज रेट दे देते हैं वो। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, तो इसका मतलब इसे टाइम के अकॉर्डिंग 4 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, अब इसे टाइम में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ये पर एनम नहीं है, ये फ्लैट रेट है, ये एवरेज
रेट है। तो समझ में आए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी हमें टाइम में कन्वर्ट करना पड़ भी सकता है और नहीं भी। कब नहीं करना पड़ सकता? जब इस तरीके से हो, अगर मान लो मैंने दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर मैंने टाइम दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर मैं 5% लिख रहा हूं तो क्या इसके अंदर हमें टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे क्या नहीं है? पर एनम। लेकिन अगर मैं इसके आगे पर एनम वर्ड लगा देता हूं, क्या टाइम फैक्टर लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो इसके अंदर देखो, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर चैप्टर में कुछ नहीं है, 6 नंबर का क्वेश्चन आना है इसमें से। तो कुछ चीजों को हम किस में बांटते हैं? अकॉर्डिंग टू टाइम, और कुछ चीजों को हम टाइम कंसिडर नहीं करते। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखो, यहां पे हमारा 2 अकाउंट बनेगा, एक तो इसके लिए बनाएंगे जो नहीं रहा, और एक जिसको पेमेंट जाएगा। तो जो नहीं रहा उसके लिए ये अकाउंट है, उस दूसरे के लिए मैं नीचे अकाउंट बनाऊंगा। तो अब देखो क्या है, सबसे पहले उस पार्टनर के वाइफ ने बोला था इसका पुराना कैपिटल दे दो, तो मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, ये आ गया। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो, तो मैं दे दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इस पे टाइम फैक्टर लगेगा? टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे या पूरा ही कर देंगे? टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अगर एवरेज रेट दे रखा हो तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसकी वाइफ ने बोला मेरे हस्बैंड का सैलरी दो, तो सैलरी पे लगेगा क्या टाइम फैक्टर? सैलरी पे पहले तो आप ये देखो, टाइम फैक्टर समझ में आ रहा है? क्या टाइम फैक्टर है? मतलब जितने दिन काम किया है उतने दिन का, तो सैलरी पे लगेगा, जिस पे लगेगा मैं उस पे टिक कर रहा हूं। ठीक है, सैलरी के बाद फिर इसकी वाइफ ने बोला कि जनरल रिजर्व में भी इसका हिस्सा दे दो, इस पे लगेगा? नहीं लगेगा। उसकी वाइफ ने बोला मेरे हस्बैंड का वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी था, इस पे लगेगा? नहीं लगेगा। इसकी वाइफ बोलती है कि चलो अब मुझे एक काम करो, इसके हिस्से का गुडविल दो या इसके हिस्से का प्रॉफिट दे दो, क्या प्रॉफिट पे लगेगा? प्रॉफिट पे लगेगा, प्रॉफिट और लॉस। और एक चीज और ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो अगर एवरेज प्रॉफिट वाला है तो हाँ लगेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमारा, प्रॉफिट और लॉस ऑन द बेसिस सेल्स, अगर सेल्स के हिसाब से हुआ तो टाइम फैक्टर नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करूं तो पता है हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को लिखेंगे ब्रैकेट में सस्पेंस। सस्पेंस, सस्पेंस इसलिए क्योंकि हमें एक्चुअल पता नहीं होता, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है इसके ऊपर। अब देखो, अगर मैं पूछूं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइम फैक्टर होगा, हां होगा और नहीं भी होगा। हां कब होगा? जब एवरेज प्रॉफिट पे। नहीं कब होगा? जब किस पे हो? सेल्स पे हो। ठीक है, इसके बाद इसकी वाइफ ने बोला इसका कमीशन भी दे दो, मैंने बोला ये लो कमीशन, इस पे भी टाइम फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि जनरली ये सेल्स पे होता है हमारा, टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। अब इसकी वाइफ ने बोला इसके हिस्से का गुडविल, तो इसके हिस्से का गुडविल कितने पार्टनर मैंने बताए थे? मैंने पार्टनर आपको बताए थे यहां पे कितने? 3। कौन कौन बताया? ए नहीं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, जेड गया, तो जेड को कौन देगा गुडविल? एक्स और वाई मिलके, तो इसको गुडविल दिया जाएगा बाय एक्स कैपिटल, अपने जितना गेन कर रहा होगा उतना दे दिया, फिर कौन देगा? बाय वाईज कैपिटल, जितना वाई ने गेन किया होगा उतना दे देगा। अगर मान लो वाई का 0 आ रहा है तो नहीं देगा वो, ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब अगर पुराना गुडविल है तो इधर राइट ऑफ कर देंगे इसके हिस्से का, क्या इस पे टाइम फैक्टर लगेगा? नहीं लगेगा। इसके बाद अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हुआ तो
इस पे भी नहीं लगने वाला टाइम फैक्टर। इसके बाद मान लो आपका हुआ हमारा सपोज करो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इस पे भी नहीं लगने वाला, ठीक है। ये सारा हो गया। अगर मान लो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो बताओ नहीं लगेगा। अगर लॉस हुआ तो किधर लिखेंगे रिवॉल्यूशन, बाय में टू में? लॉस, रिवॉल्यूशन लॉस। लॉस जब हमारा होता है फर्म का तो पार्टनर्स का कैपिटल घटता है या बढ़ता है? कम होगा। तो हमेशा याद रखना पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट साइड से माइनस होता है और क्रेडिट साइड से प्लस होता है। तो अगर लॉस है तो हम किधर लिखेंगे? टू साइड में लिखा जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस। और ये लो इसके हिस्से का आ गया। क्या यहां पे सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट? हाँ बिल्कुल, एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। दो पार्टनर का नहीं बनाना आपको यहां पे कैपिटल, तीन पार्टनर का नहीं बनाना। जो पार्टनर डेथ हुआ है सिर्फ उसी का पूछा जाएगा, मैक्सिमम चांस है। अगर सबका पूछा जाए तो बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली बनेगा। ये लो, अब मैंने बोला एक और अकाउंट बनाएंगे हम, और एक अकाउंट और कौन सा बनाने वाले थे हम? एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बना लिया एग्जीक्यूटर। इसके अंदर ज्यादा आप लाइन यूज भी मत करना, तीन से चार लाइन में बन जाता है। और किसका एग्जीक्यूटर बनेगा अगर जो पार्टनर बना है जेड? ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जैसे देखो रिटायरमेंट में क्या होता है कि यहां से जो भी होता है बैलेंसिंग फिगर यहां क्या लिख देते थे हम? एडमिशन में होता था सीडी, रिटायरमेंट में लोन बनाते थे। अब यहां पे लोन नहीं होगा ना ही सीडी होगा, यहां पे होगा जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये आ गया, इसको ट्रांसफर पता है कहां करेंगे? इसको हम इधर लिख देंगे बाय। कहां से आ रहा है ये बताओ? कैपिटल से आ रहा है ना, तो जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर मान लो इधर बैलेंसिंग फिगर आता है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कुछ पेमेंट करना हुआ तो हम कैश में पेमेंट कर सकते हैं या फिर बैंक में, तो वो पेमेंट यहां आ जाएगा। अगर फिर भी बच जाएगा तो हम कर देंगे एग्जीक्यूटर लोन। कई बार बोलता है क्वेश्चन के अंदर 10% एग्जीक्यूटर लोन करो, तो बस इसके आगे 10% लगा देना है, इसके आगे 10%। और ये दोनों साइड हमारा आ जाएगा इक्वल। तो सबसे पहले देखो, बस मैंने अभी आपको फॉर्मेट फॉर्मेट समझाया, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। फॉर्मेट फॉर्मेट में क्या है, एक बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनाना है हमें उसके फैमिली मेंबर का यानी एग्जीक्यूटर अकाउंट। और दूसरी चीज, इसके अंदर जब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो दो बातों का ध्यान रखना होता है, कुछ चीजों को हमें टाइम फैक्टर के अंदर बांटना पड़ता है, कुछ चीजों को हमें टाइम फैक्टर के हिसाब से बांटना नहीं पड़ता। किस किस चीजों को टाइम फैक्टर के हिसाब से नहीं बांटना, किसको बांटना है, वो मैंने लिस्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें देखो कोई डाउट? और इसके बाद सारा टोटल करने के बाद Z का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। नेम भी देख लेना, अगर अकाउंट के नेम में गड़बड़ करोगे मार्क्स कटेंगे आपके। और कैश अकाउंट और टू एग्जीक्यूटर। इसके बाद एग्जाम में इसका जर्नल एंट्री भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्री भी मैं बता दूंगा आपको। वैसे नॉर्मली पहले आप इसको एक बार नोट करो, इसको नोट करने के बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद फिर मैं उसी का जर्नल एंट्री आपको बता दूंगा। ठीक है।